नमस्कार जी, मैं हूं महेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है साइकिल रिव्यू में। शुरू करते हैं घंटी बजा के। इस साइकिल का आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा और ये साइकिल है BSA कंपनी की लेडी वर्ड सीरीज में जो आता है जेल्डा मॉडल, और ये नया अभी हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी इसकी वीडियो किसी भी यूट्यूब पर नहीं है, फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इसका स्टॉक भी अभी काफ़ी कम जगहों पर पहुँचा है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ इस साइकिल में क्या कुछ बेहतर है और क्या कुछ और बेहतर हो सकता था। तो लीजिए पूरा रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले सीट की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं LV लिखा हुआ है। इसका मतलब है लेडी वर्ड सीरीज, यानी जो कि BSA कंपनी स्पेशली लड़कियों और लेडीज़ के लिए बनाती है। और ये जो इसका स्पंज का लेवल है इसमें बहुत ही टॉप लेवल का इसमें अच्छा है, और सीट का साइड काफ़ी बड़ा दिया हुआ है जिसके कारण से इस पर बैठने में काफ़ी लड़कियों को कंफर्टेबल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे सीट के नीचे जब हम देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे एक क्विक रिलीज लीवर दिया हुआ है। इसके जरिए क्या है, सीट आपको जरूरत पड़ने पे मैकेनिक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 इंच इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। इसके साथ ही फ्रेम का यहाँ पर भी देखेंगे, ये जो टॉप बार है इसको काफ़ी करवट करके डाउन में दिया गया है। इससे लेडीज़ को कोई भी किसी भी तरह का ड्रेस पहनती हैं लेडीज़ या लड़कियां, तो उनको काफ़ी कंफर्टेबल रहता है जिससे कि उनको दिक्कत नहीं होती है। उसके साथ ही यहाँ पे पीछे मजबूती की बात करें तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 बार दिए गए हैं, तो ये फ्रेम की जो मजबूती है बहुत ही टॉप लेवल की दी गई है। इसके साथ ही इसमें ये जो फिनिशिंग दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक मीडियम रेंज की साइकिल है। मीडियम रेंज की तो नहीं कहेंगे, मीडियम रेंज से काफ़ी ये ऊपर निकल जा रही है, लेकिन ऐसे बनाया गया है जैसे यूरोप वगैरह में साइकिलें होती हैं, 30,000-35,000 की साइकिलें जो आती हैं, उस तरह की फिनिशिंग और डिजाइनिंग इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्टिकर लगाया हुआ है जिसमें फ्रेम में 3 कलर इसमें डाला गया है। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, पिंक जो कि लड़कियों का फेवरेट कलर है, लेडीज़ का भी, ग्रे, साथ ही ब्लू कलर, ब्लैक, 4 कलरों को मिला करके काफ़ी अच्छे इसको देने की कोशिश किया गया, जो इसका लुक है बहुत ही अच्छा। मॉडल की बात करें तो इसको मॉडल का नाम दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं जेल्डा मॉडल है। इसके साथ ही हम यहाँ हैंडल पे आगे देखने की कोशिश करते हैं हैंडल पे क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एल्की वाले बोल्ट दिए गए हैं जिसके कारण से यहाँ पर फिनिशिंग बढ़ जाती है। हैंडल जो है पाउडर कोटेड ब्लैक कलर है जो कि इसकी लाइफ कलर की बहुत ज़्यादा होती है और फिनिशिंग अच्छी है। इसके साथ ही यहाँ पे ब्रेक लीवर की बात करें, 329 ब्रेक लीवर दिया गया है जिसकी पावर ब्रेक के लिए सबसे बेस्ट ब्रेक लीवर ये माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे रबड़ के जो हैं ग्रिप दिए गए हैं, हैंडल ग्रिप, लेकिन ये एको प्रेशर के साथ है जो कि साथ में एको प्रेशर काम करता है और इसको काफ़ी कम्फर्टेबल यूज़ करने में रहता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि वाइट कलर का है रिफ्लेक्टर। ये आगे से आए जब गाड़ी की लाइट इस पर पड़ती है तो ये उस पर चमक डालता है। इसके साथ ही इसमें बास्केट दिया गया है। लड़की और लेडीज़ की साइकिल में बास्केट तो बहुत सारे साइकिलों में दिया गया होगा, लेकिन ऐसा बास्केट किसी में भी नहीं है। देखिए पूरी तरीके से पैक है, आता है ना तो ऊपर से पूरा ओपन रहता है, इसमें ओपन नहीं दिया गया है। देखिए इसमें कैप है और इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, जब इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ओपन हो जाएगा, फिर इसको छोड़ेंगे ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं क्या कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर्क देखेंगे पिंक कलर का दिया गया और ये ब्लेड का आकार इसमें दिया गया है। इससे क्या होता है स्पीड में ज़्यादा भगाने में काफ़ी आसान रहता है और इसकी मजबूती बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो हैंडल के ब्रिंग हैंडल का बैरिंग दिया गया है ये ब्रॉड वाले दिए गए हैं, चौड़े वाले बैरिंग दिए गए हैं जो कि H+ टाइप के, काफ़ी मजबूत और लॉन्ग लाइफ होता है और ये बार बार लूज़ नहीं होता, नई टेक्नोलॉजी है। और फ्रेम का जो ये हेड है ये काफ़ी चौड़ा दिया गया है जिससे मजबूती बढ़ जाती है। यहीं पर नीचे देखेंगे ब्रेक की बात तो इसमें पावर ब्रेक दिया गया है ताकि एक फिंगर से भी अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो पूरी तरह लगेगा। और नॉर्मल ही जो पावर ब्रेक आते हैं हमारे इंडिया में साइकिलों में वो मेटल का, उसमें ये आर्च दिया जाता है, लेकिन इसमें अलॉय का दिया गया है क्योंकि अलॉय काफ़ी बेहतर होता है मेटल के मुकाबले। इसके साथ ही हम यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जो इसमें स्पोक है ये देख सकते हैं ब्लैक वाली दी हुई है, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें मुर्चा नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, नहीं तो वो होता है ना एक स्टील जैसा दिखता है उसमें मुर्चा लगता है। हब के में भी साथ में वैसे ही सेम ब्लैक किया गया है और हब के ऊपर यहाँ पे TI की ब्रांडिंग की गई है जिससे काफ़ी क्लियर ही पता चलता है कि अच्छी क्वालिटी का हब है कंपनी का। नट वगैरह इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। मरगार्ड की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे मेटल का इसमें मरगार्ड दिया गया है और ये ग्रे कलर में दिया गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे तो स्पोक रिफ्लेक्टर दिया गया है येलो कलर का आगे और पीछे जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ ही
टायर की बात करें तो 26 का इसमें टायर दिया गया है, 26 इंच का टायर साइज है और रिम जो कि MTB सीरीज में आता है और काफ़ी ये बेहतर होता है। रालसन कंपनी का यहाँ पे टायर दिया गया है और ये जो टायर है लाइट वेट है जिसके कारण से साइकिल काफ़ी हल्की चलेगी और रालसन हमारे इंडिया के एक नंबर वन ब्रांड में मानी जाती है और है भी मानी क्या जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो ट्यूब दिया गया है साइडर बॉल वाले ट्यूब दिए गए हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसके वाल ट्यूब जो है अक्सर डैमेज नहीं होती, 1% इसके सिर्फ वाल ट्यूब डैमेज होते हैं, नहीं तो डैमेज नहीं होते, लॉन्ग लाइफ चलता है। नॉर्मली साइकिल में जो वाल ट्यूब आता है उसकी क्या खामी होती है कि ये 45 दिन के बाद जो वाल ट्यूब ख़राब हो जाता है उसमें चेंज करना पड़ता है, तो इसका क्या है ये ख़राब नहीं होता, 2-2 साल 3-3 साल बाद भी ख़राब नहीं होता। 100 ट्यूब में कहीं एक बार किसी एक का ख़राब हुआ तो हुआ, नहीं तो ट्यूब की लाइफ बेशक ख़त्म हो जाए ट्यूब टायर की, ये वाल ट्यूब ख़राब नहीं होता। दूसरा फ़ायदा इसमें जब हवा डालते तो काफ़ी आसानी से अंदर चला जाता, दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। साथ ही इसमें एयर प्रेशर चेक करके जितना चाहिए पूरा एको रेट उसमें एयर प्रेशर भरा जा सकता है। और दूसरा जो होता है नॉर्मल उसमें हवा आप चेक नहीं कर सकते, ऐसे दबा के लोग देखते हैं तो हवा उसमें कम ज़्यादा रहता है, क्लियरली अंदाज नहीं मिलता है। इसके साथ ही बात करेंगे ये जो इसमें रिम दिया गया है ये देख रहे हैं आप ब्लैक कलर में, ये अलॉय का रिम है, मेटल नहीं है, तो इसमें जब देखते होंगे साइकिल 2 साल बाद जंग लगने लगता है, तो इसमें जंग नहीं लगेगा और ये लाइट वेट है जिसके कारण से एक नॉर्मल साइकिल के मुकाबले ये काफ़ी हल्की चलेगी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लास्टिक का मरगार्ड है और ये काफ़ी लाइट वेट दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है लेडी वर्ड लेडी LB यानी BSA लेडी वर्ड कंपनी का यहाँ पर बकायदा स्टिकरिंग किया गया है और चैन कवर जिससे कि आपको ड्रेस गंदा ना हो। चैन व्हील जो इसमें दिया गया है क्वार्टर पिन लेस चैन व्हील है, इसका बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे क्वार्टर पिन रहता है तो लड़कियों को बार बार उसमें ड्रेस फंसता है। इसके जो बॉटम बैरिंग है बॉटम ब्रैकेट सिस्टम दिया जो कि पूरा सिल टाइप में होता है, इसकी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर क्वार्टर पिन लेस चैन व्हील होने के कारण से आपके ड्रेस उसमें फंसता नहीं है बार बार, ये काफ़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे स्मूथनेस साइकिल काफ़ी हल्की हो जाती है। पैडल की बात करें तो एक नॉर्मल जो हमारे इंडिया में जो पैडल बनते हैं ज़्यादातर साइकिलों में आप अक्सर देखते होंगे कि 6 महीने भी साल भर भी पैडल नहीं चलते हैं, 6 महीने चल जाए उतना ही बहुत है, लेकिन इसकी पैडल की क्वालिटी मुझे देख के लग रही है कि हाँ थोड़ा बेहतर इसमें काम किया गया है बाकी पैडलों के मुकाबले। यहाँ पे टायर में आप देख सकते हैं कि रालसन का जो मैंने पीछे दिखाया था यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है सारा कुछ, ISI ब्रांड है। इसके साथ में लाइलून टायर दिया गया, लाइलून टायर है, नॉर्मली साइकिलों में कॉटन टायर आता है, कॉटन टायर 6 महीने चलेगा तो उसके मुकाबले ये समझ लीजिए कि उससे 3 गुना ज़्यादा इसकी लाइफ होती है और ये लाइट वेट है तो इससे साइकिल की स्मूथनेस काफ़ी बढ़ जाती है। चैन इसमें नॉर्मल दिया गया है, साइकिल के हिसाब से अगर चैन को थोड़ा और एडवांस कर दिया गया होता तो और भी अच्छी बात होती, चैन ये नहीं कि ख़राब है, ओरिजिनल यहाँ पर TI की बाकायदा ब्रांडिंग की गई है और अच्छी चैन है, लेकिन साइकिल काफ़ी आगे निकल जाती है एक नॉर्मल साइकिल के मुकाबले और चैन नॉर्मल है तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। इसके साथ ही इसमें बात करेंगे स्टैंड का, आप यहाँ स्टैंड देख सकते हैं तो एक नॉर्मल स्टैंड ना हो करके नॉर्मल स्टैंड यहाँ आता है, डबल स्क्रू वाले स्टैंड दिए गए हैं और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का स्टैंड है जो कि यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लाइफ है। ऐसा सेम दिखने में चाइनी वाले भी स्टैंड आते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, तो ये वो नहीं है, ये हमारा इंडियन स्टैंड है और काफ़ी स्ट्रांग मजबूत और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बात करें इस साइकिल की प्राइस की तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा, ये साइकिल जो है बाकी साइकिलों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, यानी कि क्वालिटी के जो बोले ना बेस्ट लेवल की क्वालिटी जो होती है, तो अभी तक लेडीज़ और लड़कियों के लिए मैंने जितनी साइकिल का रिव्यू किया है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इस साइकिल में यूज किया गया है, सबसे बेहतर है, ये लड़कियों और लेडीज़ के लिए दोनों के लिए है। बात करें 26 इंच साइकिल का साइज है, सीट का इसका फ्रेम का इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप 14 साल से लेकर के 70 साल की लेडीज़ भी इसको चला सकती है, 14 साल से लड़की और 70 साल तक, जोड़ पड़ने पर सीट इसका ऊपर नीचे अपने हाथ से किया जा सकता है बिना मैकेनिक के पास गए हुए, काफ़ी बेहतर साइकिल है, BSA कंपनी की है, लेडी वर्ड है। जो भी कुछ था इसका अच्छा बुरा सब मैंने आपको बताया, प्राइस कमेंट में लिखूँगा, नीचे लिख दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, कुछ सवाल है कुछ जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब कोशिश करूँगा देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर भी मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद।